आदमी से ज्यादा नहीं करता है। अच्छा पकड़े घर पे रिचार्ज करवाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब छोड़ो घर मकानों को, जल्द लड़ो मैदान में। पहला प्रश्न है इसे किसे बनाना है, जिसने देश को इतना बड़ा संविधान दिया, जिसने मातृशक्ति को इतना आगे बढ़ा सके, जननी सदैव एक दिन बनाया और कैसे काम चलने वाला है, तो इस विषय पर होगी। तो मैं विजय जी आपका दिल की कहानी बस ही बस हो गया जी। कृपा से हम पर लेकर के आज थोड़ा सा अपने को जीवन जीने के योग्य होता है। साहू जी महाराज मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप हमारा परिचय कुछ बढ़ा। मेरा नाम कुलदीप सिंह बिजोल, मैं एक्स मेंबर माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड का भी सदस्य रहा हूं। आज जो हमारी बिलासपुर में मीटिंग हो रही है एससी एसटी और माइनॉरिटी ओबीसी वगैरह की, उसमें भीमराव जी अम्बेडकर का जो जयंती आ रही है उसके उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई थी। आज बड़ी सौभाग्य की बात हुई कि मैं भी इस मीटिंग में हाजिर हूँ। अब ये सारी कम्युनिटी जो है इकट्ठी हो रही है ताकि हमारे जो आगे बच्चे आएंगे उनके लिए जो हमने कोई भी विस्तार करना है अपनी सारी जातियों के लिए, क्योंकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है और जाति है एसटी एससी जो है हमारे बच्चे नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि और जो बात बाकी लोग हैं वो उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए आज पूरे ज़िला में ये पूरा खबर चल गई है और आगे के लिए हम ऐसा जो हम रास्ता तैयार करेंगे जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है जो हमारे दर्शाए हुए पुराने बुजुर्गों का रास्ता है उसको हम आगे जाकर लेके जाएंगे और पूरे हिमाचल क्या पूरे भारत में इस चीज़ को हम फैलाएंगे, ताकि हमारा जो है सारी जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको उठाने की हम पूरी कोशिश कर सकें। धन्यवाद। चंद जांगी और नैना देवी ब्लॉक का प्रधान है एसटी एससी ओबीसी के, और जो 80% के लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनके बच्चे भी पिछड़ गए हैं क्योंकि कोई सुनाई नहीं है। हमारे लोगों से वोट ले सकते हैं लीडर और हमारे को पीछे कर देते हैं, और हम ये इस समाधान को लेकर ये कम्युनिटी सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इसका हम हल निकालेंगे। जहाँ तक हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे और बच्चों का अगला समाधान ठीक करेंगे, और हमारे बुजुर्गों की भी ताकत है, हमारे नौजवानों की भी ताकत है, हमारे भैनों बीबियों माइयाँ की भी हमारे साथ ताकत है। हम इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ेंगे और हम ये बच्चों के लिए जहाँ पर भी कहाँ की पानी की लोड़ है वहाँ हम खून देने को तैयार हैं। हमारे को चाहे शिमला जाना पड़े चाहे हमारे को दिल्ली जाना पड़े, हम अपने हकों की रक्षा करेंगे और तीनों कम्युनिटी जो है आम लोग गरीब हैं उनके लिए हम सभी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। हम धन्यवाद करेंगे, ये हमारी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है और आज बिलासपुर में है, पहले कमारमी में थी, और हम रोज़ के कम्युनिटी जब जहाँ भी हमारी मीटिंग होती है हम बढ़ते जा रहे हैं, और भगवान हमारे को बढ़ाए और अच्छी लाइन पर हम ले आएँ और हमारे बच्चों का संविधान होगा और पूरा हम इसमें योगदान देंगे। सभी जाते हैं हमारी इकट्ठी हो रहे हैं, इकट्ठी होकर लड़ाई लड़ रही हैं।